भाषा और दूरी। इसके लिए आप सभी लोग ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है गवर्नमेंट जॉब के जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं कि जिसमें एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से ना आता हो। अब किसी टॉपिक की तैयारी करो, एनटीपीसी ले लो, यूपी पुलिस, रेलवे, एसआई, सब में आपको ये इसका एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आपको दिशाएं कुछ तो पता है लेकिन उसमें कन्फ्यूज हो जाते हो कि कहाँ है क्या नहीं है, तो वो कन्फ्यूजन दूर करना है आपका और उसके लिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको पता है कि हमारी जो मूल दिशाएं होती हैं वो चार होती हैं। कितनी होती हैं? चार। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब कुछ लोग कहेंगे हिंदी में बताओ सर, इंग्लिश में मत लिखो, है ना। तो देखिए, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ये हो गया हमारा पूर्व और इधर हो गया हमारा पश्चिम। अब कुछ कहेंगे सर जरूरी है हम इधर ही उत्तर माने, इधर ही पूर्व माने, इधर ही पश्चिम माने, है ना। कभी भी कुछ ना कुछ लोग कहेंगे ही, तो आप समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है आपको ऊपर ही उत्तर मानना है। ये स्टैंडर्ड कंपास के अनुसार है, जो हम कंपास से चेक करते हैं उसके अनुसार है ये, कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है ना। ये सिर्फ किसके अनुसार है? कंपास के अनुसार। लेकिन आप जहां चाहो वहां मान सकते हो। ठीक है, जहां जो मानना है मान लो, बस एक बात ध्यान रखनी है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि उत्तर के क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, जब भी आप उत्तर से घड़ी की दिशा में चलोगे तो पूर्व आएगा। क्या आएगा? पूर्व आएगा। यानी कि नॉर्थ के जब भी हम राइट में जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमारी डायरेक्शन जो होगी वो कौन सी होगी? ईस्ट होगी। अब इसको मैं आपको कई सारी ट्रिकें याद करने की, अगर ऐसे भी याद ना रही ये बात भूल जाओ तो इसके लिए ट्रिक बता देता हूं। क्या? दो ट्रिक है। आपने न्यूज पढ़ा होगा, है ना, आप सभी जानते हैं न्यूज, सभी पढ़ते हैं। अब इस न्यूज में आप एक काम करो, जो बाद के दो अक्षर है ना इन्हें पलट दो, ये कर दो NESW। न्यूज को हमने क्या कर दिया? न्यूज को हमने NESW कर दिया। अब ये है क्या? ये है कि आपने ऊपर से शुरू किया, कहीं भी कुछ भी मान लो, N घड़ी की दिशा में चलना है, घड़ी की दिशा में N यहां है तो E यहां आएगा, उसके बाद घड़ी की दिशा में S यहां आएगा और W यहां आएगा। यानी कि क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, न्यूज से। या फिर एक और बता देता हूं आपको ट्रिक, तो बहुत सारी हैं, आप कुछ भी याद कर सकते हो अपने, वैसे तो इसमें कुछ याद करने लायक है नहीं, फिर भी आपको याद करना हो तो आप कुछ भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक आप याद कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी का मिक्स करके, उई, जब बचपन में चोट लगते हैं क्या कहते हैं? उई उई हो गई, या उई हो गई, दर्द हो रहा है भाई, तो उसको हम लिखे कैसे? उसको हम ऐसे लिखते हैं, उ और ई। ठीक, और जब उई उई हो जाती है तो हम यूज किसका करते हैं? दवा का, तभी तो ठीक होती है, तो उसको हम लिख सकते हैं द और वा। ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है, याद करने के लिए कि आपको याद रहे। उई, चोट लग गई, दवा लगा दी, तो उससे होगा क्या? ऊ से होता है उत्तर और ई से ईस्ट यानी कि पूर्व, दा से होता है दक्षिण और डब्लू से वेस्ट यानी कि पश्चिम। ये तो नहीं बात ये। ठीक, उसके बाद हम बात करें कि हमारी दिशाएं टोटल होती कितनी है। तो देखो, कुछ चार कहते हैं, कुछ आठ कहते हैं, कुछ छह कहते हैं, लेकिन हमारी टोटल दिशाएं दस होती हैं। अब आप कहोगे दस तो सुनी नहीं सर, आठ तो सुनी भी है, दस आप नई बात निकाल के लाए हो, लेकिन सच्चाई यही है कि चार तो हमारी मूल दिशाएं ये होती हैं, इनके अलावा चार होती हैं उपदिशाएं जो इन दिशाओं से मिलकर बनती हैं, और दो होती हैं ऊपर और नीचे की, मतलब ऊपर नीचे मतलब क्या हो गया? आकाश और पाताल की। ठीक है, उनको हमें कोई काम नहीं है, हमारे पेपर में सिर्फ आठ आती हैं, जिसमें चार ये हो गई और चार और होंगी, वो कौन सी होंगी? वो होंगी आपकी इनके बीच वाली, मतलब आप ये देखिए किस किसके बीच में आ रहा है, उत्तर के और पूर्व के, तो इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्व या फिर नॉर्थ ईस्ट। इसकी बात करें, ये किस किसके बीच में आ रहा है? दक्षिण के और पूर्व के, तो इसे हम कहेंगे दक्षिण पूर्व या फिर साउथ ईस्ट। इसकी बात करते हैं किस किसके बीच में आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है दक्षिण के और पश्चिम के बीच में, तो इसे हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। और ऊपर वाला किस किसके बीच में? नॉर्थ के और वेस्ट के, यानी कि उत्तर के और पश्चिम के, तो इसे हम कहेंगे उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। पुष्पेंद्र कुमार गुड इवनिंग, जितेंद्र कुमार गुड इवनिंग। देखो भाई, लेट हो गए, लेट मत हुआ करो, 6 बजे बताया था, तो हम वैसे ही लेट थे, आप और लेट आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं बार बार रिप्लाई ना दूं तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है कि सर ने रिप्लाई नहीं किया हमारे, उसका पढ़ते हैं अभी, इस पे ध्यान है पढ़ाने पर, इसलिए हो सकता है कि आपका रिप्लाई गुड इवनिंग का ना दे पाऊं। सबको गुड इवनिंग दोबारा से।
तो ये हो गई हमारी 8 दिशाएं जिनसे हमारे क्वेश्चन आते हैं। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जहां मन मर्जी हो वहां उत्तर मान लो। जैसे सपोज करिए कि उत्तर को आप मान लेते इस जगह, तो अब क्या होता, उत्तर आपने यहां मान लिया तो ईस्ट आ जाएगा नीचे, क्योंकि उत्तर आपने यहां माना है, उत्तर की क्लॉकवाइज NEWS बताया, NEWS या क्या बताया, न्यूज बताया या NEFW बताया, बस यही ध्यान रखना है कि NESW ऐसे कर सकते हो, या फिर सिंपल से याद है कि NE याद कर लिया, N से S नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होता है और ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होता है, ठीक है। तो कहीं भी कुछ मान लो उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो हम यूज करेंगे, जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो पड़ती है दाएं और बाएं में, लेफ्ट और राइट में, उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा हमारा लेफ्ट है और कौन सा हमारा राइट है। तो देखो एक तो सिंपल सी, बच्चों को हिंदी मीडियम वाले जो है बायां दायां जो करते हैं उन्हें मैं बता दूं क्या, कि आप अपने हाथ को ऐसे करिए जो हम बढ़िया दिखाते हैं ना, आप इस हाथ से करेंगे अपने बाएं हाथ से तो आपको ये दिख रहा होगा क्या बन रहा है, बी बन रहा है, और बी मतलब बायां। आपने ये हाथ से देखा तो ये इस तरीके क्या करती आई, बी, बी मतलब बायां, और आप इस वाले हाथ से करिए देखिए तो आपको दिखेगा ये स्मॉल डी बन रहा है और डी मतलब दायां। तो बाएं दाएं अपने हाथ में जो कंफ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों को, उसको खत्म करने के लिए क्या है कि अपने हाथ में ऐसे कर लो और देख लो भाई बी बन रहा है या डी बन रहा है, आपका बायां दायां कंफ्यूजन दूर हो गया। अब दूसरी बात कि हमें मुड़ना होता है तो हम मुड़े कैसे, कितने डिग्री पे मुड़े, क्या करें, कंफ्यूजन हमारे पास बहुत है और आंसर हमारे पास नहीं है, बस रट्टा मार लिया क्वेश्चन कर आए और हो गए बोले हाँ भाई हमें आती है रीजनिंग, ऐसे नहीं होता, समझना है हमें ध्यान से क्या। तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ने के लिए आपको बता दो राइट और लेफ्ट का सिस्टम। तो देखिए अगर हम उत्तर दिशा में हैं, यहां आप यहां से चलना शुरू करें, यहां पहुंच गए, अब आपसे वो बोले कि आप राइट मुड़िए, अपने दाएं को मुड़िए, तो आपका दाया क्या होगा भाई, ऊपर जा रहे हैं तो हमारा दाया होगा ये। अब ये पता कैसे चलेगा, और ऐसे ही क्यों मुड़े 90 डिग्री पर, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए जो आपका राइट होता है, जो आपका राइट होता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है। देखना घड़ी कैसे चलती है, यहां पे अगर घड़ी की सुई है 12 पे तो वो नीचे जाएगी, यानी कि इस साइड जाएगी, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, और 90 डिग्री पे मुड़ा है, ऐसे नहीं मुड़ा, टेढ़ा नहीं गया ना ऊपर गया, डायरेक्ट बिल्कुल लंब डाला है हमने, 90 डिग्री पे किया है। तो हमेशा हमारा राइट हो या लेफ्ट हो वो कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो हम यहां थे उत्तर में, उत्तर दिशा में थे, तो हमने क्या किया, राइट हो गया हमारा ये। अगर सपोज करिए हम यहां होते ईस्ट में, तो घड़ी कैसे चलती है, नीचे की दिशा में, ईस्ट में, भाई ये हो गया दायां हमारा, क्या हो गया ये राइट हो गया, ये राइट हो गया। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तो ये होगा घड़ी चलती नीचे होते ऊपर की तरफ को, यानी कि ये राइट हो जाएगा हमारा। और अगर हम यहां खड़े हैं इधर की तरफ जाते पश्चिम की ओर, तो घड़ी ऊपर की तरफ चलती है, यानी कि ये हमारा राइट हो जाएगा। तो अब देखिए इसको गौर से, ये कुछ आकृति बन गई है, इसे हम कहते हैं सतिया। तो या तो आप सतिया से याद रख सकते हो कि सतिया जो होता है वो हमारे सीधे हाथ की आकृति दिखाता है, कि ऊपर जा रहे हैं तो दायां इधर होगा, इधर जा रहे हैं दायां नीचे होगा, नीचे जा रहे हैं दायां इधर होगा, और पश्चिम में जा रहे हैं तो दायां ऊपर की ओर होगा। बात हो गई दाएं की, ये आपको याद नहीं रखना, सतिया याद नहीं रखना, आपको क्या रखना है कि आप कहीं भी खड़े हो, किसी भी दिशा में जा रहे हो, आपसे बोला जाए कि भाई दाएं मुड़िए, तो आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में चले जाना है। अब अगर यहां पे कोई भी बच्चा ऐसा है जिसे घड़ी देखनी नहीं आती, तो वो बाद में मिलना उसकी डांट और मार दोनों पड़ेगी, क्योंकि घड़ी देखना सबको आना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कहीं भी आपसे बोला कि एक आपसे क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है और फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, तो आपको पता है पूर्व दिशा होती है इधर, यहां गया कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और कहां मुड़ा, दाएं मुड़ा, तो आप यहां पहुंच गए हैं तो घड़ी कैसे चलेगी, बोले भाई नीचे चलेगी, तो दाया किधर होगा, नीचे होगा, और नीचे दाया अगर हम बनाएंगे तो कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा 90 डिग्री पर बनाएंगे। अब बात हम करते हैं एंटी क्लॉकवाइज के, लेफ्ट की, ये तो हमारे राइट की बात हो गई कि राइट जब भी जाना है हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमें बाएं मुड़ना हो, तो बाएं मुड़ने के लिए आपको क्या करना है, ये मैं रफ कर रहा हूं, ये मैं रफ कर रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा जहां तक है। बाएं मुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सेम इसका उल्टा, कि क्या लेफ्ट जो आपका होता है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। प्रैक्टिकल करते हैं कि जैसे आप ऊपर की ओर गए, ठीक है, यहां से चलना शुरू किया, ऊपर की ओर गए, उत्तर दिशा में गए, आपसे बोला गया बाएं मुड़िए, तो बायां किधर होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में बाएं चले जाओ, तो घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी चलती है ऐसे, यानी कि आपको ऐसे चलना, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, यह आपका बायां हो गया। अब बात करें हम लोग कि अगर आप जा रहे हो इस दिशा में, यह आपका बायां हो गया,
ठीक है, आपसे बोला कि भाई पूर्व में जाओ और फिर बाएं मुड़ो, तो अब बायां किधर होगा? घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी चलती है नीचे तो ऊपर चले जाओ, बायां हो गया। सेम, नीचे जाओगे तो बायां किधर होगा? घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी ऐसे ऊपर चलती है तो ऐसे चले जाओ, ये बायां हो गया। इधर जाओगे तो किधर होगा? घड़ी ऊपर चलती है तो नीचे चले जाओ, बायां हो गया। ये क्या बन गया? उल्टा सत्या बन गया। ये क्या बन गया? उल्टा सत्या। आपको इससे भी मतलब नहीं, आपको क्या करना है? आपको याद रखना है कि आप किसी भी दिशा में हो, घड़ी की दिशा में जब भी जाएंगे वो हमारा राइट होगा, और घड़ी की विपरीत दिशा में जब भी जाएंगे वो हमारा लेफ्ट होगा। तो हमारी एक कंफ्यूजन, एक प्रॉब्लम दूर हो गई जो हमें दाएं बाएं में होती थी। बस याद क्या रखना है कि हमेशा मुड़ना हमें 90 डिग्री पर है, क्योंकि आप देख ही रहे हो इतने क्वेश्चन, आप सब जानते हो कि हम राइट कैसे मुड़ते हैं, ऐसे ही मुड़ते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, तो हमेशा हमें मुड़ना जो है वो किस पे मुड़ना है? 90 डिग्री पे मुड़ना है, राइट या हो या लेफ्ट। राइट मतलब घड़ी की दिशा में, लेफ्ट मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। इस पर जोर मैं इसलिए दे रहा हूं, बार बार ये जो बता रहा हूं, क्योंकि यही सब कुछ है। अगर आपको ये आ गया तो आपको सब आ गया, क्योंकि राइट लेफ्ट में बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, क्वेश्चन आपके चुटकियों में होंगे, मैं हूं ना यहां खड़ा हुआ, क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे कि आप सोचोगे अरे पेन की जरूरत भी नहीं पड़ी। बस याद क्या रखना है जो बता रहा हूं, कि दाएं बाएं में जो कंफ्यूजन होता है वो दूर कर लो। अब ये तो था आसान, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम चलते हैं, एक तो मैं ये रफ कर रहा हूं, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, इसके लिए आपको बता देता हूं कि जब भी आपको सपोज करिए ऐसी दिशा में जाना पड़े, अब ये कौन सी दिशा है? आप कंफ्यूज हो गए कि यहां से चलना शुरू किया और ऊपर की ओर गए ऐसे। अब आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं दिशा कौन सी है। भाई एक बात बताओ, ऊपर की ओर दिशा होती है हमारी उत्तर, है ना, उत्तर, और इधर की ओर हमारी दिशा होती है पूर्व, यानी कि ईस्ट। ठीक है जी, तो ये उत्तर, ये पूर्व, तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, तो दिशाओं में कंफ्यूजन आपको करना नहीं है। ठीक है, करना क्या है आपको? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाएं मुड़ता है, तो बच्चे करेंगे क्या? राइट में दाएं ऐसे मोड़ देते, दाएं मुड़ गया। नहीं, आपको ऐसे नहीं मोड़ना, घड़ी की दिशा तो यह भी है लेकिन आपको ऐसे नहीं मोड़ना। ठीक है, आपको करना क्या है? आपको मोड़ना है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर मोड़ना है, यानी कि कैसे आएगा? राइट क्या होगा आपका? ये होगा। और अगर वो बोले लेफ्ट मोड़ना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी नीचे चलती है तो पीछे चले जाओ, लेकिन 90 डिग्री पर ही। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिशा आपकी कोई भी हो। ये आपकी दूर हुई पहले राइट और लेफ्ट की प्रॉब्लम। हम मुझे अभी दिशा बोल रहा था तो एक हीरोइन है दिशा पटानी, उसका नाम याद आ गया। अब उसका नाम याद क्यों आया और वो यूज कैसे करेंगे वो समझ लो। दिशा हमारी चैप्टर और सरनेम है उसका पटानी, है ना, तो पटा हटा दो, बचा नी, है ना। इसको इंग्लिश में लिखें तो कैसे लिखेंगे? पी ए टी ए एन ई, सपोज करो ये लिख लिया। अब इसमें से पटा हटा दो, बचा क्या? एन ई। एन ई क्यों बता रहा हूं? एन ई का मतलब ये हो जाएगा भैया नॉर्थ, और नॉर्थ के क्लॉकवाइज आ गया ईस्ट। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि नॉर्थ के अपोजिट में साउथ और ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक जो ट्रिक बताई थी, उई दवा या न्यूज, ऐसे ही ये भी आप याद रख सकते हो। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, आप जैसे चाहो वैसे याद रखो। ये बात हो गई हमारी इतनी कि दायां बायां क्या होता है और हमें याद कैसे रखना है और राइट और लेफ्ट कैसे मुड़ना है। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट के लिए क्या करना है? क्लॉकवाइज मतलब राइट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट। इसके अलावा जो हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे डिग्री, एंगल, कोण, है ना, उसके क्वेश्चन आते हैं। तो वो कैसे करें? तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपको पता होगा एक गोला कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। एक गोला होता है 360 डिग्री का, और इस गोले को अगर मैं हाफ कर दूं तो ये कितने का हो गया? 180 डिग्री का, है ना, और इसे और हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का, और इसे और हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का। अब ये क्यों बताया? आपको दिख रहा होगा इन चारों से पूरा गोला बन रहा है, यानी कि 360 डिग्री। अगर ऊपर के दो की बात करूं तो कितना हो गया? 180 डिग्री, और अगर मैं एक खाने की बात करूं तो कितना हो गया? 90 डिग्री। यानी कि हर एक मूल दिशा के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन हमारे पास जो दिशाएं यूज करते हैं वो होती हैं 8। ठीक है, तो 8 दिशाएं होती हैं। अब इसको हाफ हाफ अगर हम करें तो कितना हो जाएगा? 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45,
यानी कि हर एक खाने के बीच में जो मैंने 8 दिशाएं आपको बताई हैं उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 45 डिग्री का एंगल होता है, 45 डिग्री का कोण होता है। दूसरी चीज हम यूज करेंगे ये, इसमें आपके दो वर्ड यूज होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो आपको पता है, लेकिन हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं या आप भूल जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, जिसे हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसे हम बोलते हैं वामावर्त। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं जब हिंदी में आता है, तो इसके लिए भी समझ लो, दा मतलब दाया, दाएं हाथ पे जाना है ना, आप नॉर्थ में खड़े हो और आपसे दाएं हाथ पे जाना है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलना है, ठीक। वामावर्त बोलेगा तो वा मतलब बायां, यानी कि बायां यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में जाना, वा से विपरीत, ऐसे भी याद रख सकते हो कि वा से विपरीत हो गए तो घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आपको कैसे याद रखना है, ये आपकी हेड है, बस दो वर्ड हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त, इनका यूज होगा, आपको ये याद रखना है। तीसरी चीज जो हम यूज करेंगे इसमें, इस पूरे चैप्टर में, वो है हमारे पास, तीसरी चीज जो यूज करेंगे हम वो है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होगा क्या कि कभी कभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार की आकृति बन के आ जाएगी। मतलब क्या है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया, फिर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, तो बताइए प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी कितनी है, ये चीज जो आ जाती है इस तरीके की, या इसे 3 कर दो समझाने के लिए अभी, और इसे 4 कर दो, ठीक है। ये दूरी आपसे पूछ ली जाए तो ये निकालने का 3 और 4 7 जो कर देंगे वो गलत कर देंगे, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी पूछी है तो आपको ये निकालना है। ये निकालने के लिए आपको आनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। जी मंटू जी आंसर आप सही दे रहे हैं, मैं अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे चल रहा हूं, आपने चैप्टर पढ़ रखा है, जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे एसपी गौतम मंटू कुमार। लेकिन अभी हम बहुत आराम से कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे भी जाएंगे, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, देखिए ये जो होता है इसे हम कहते हैं आधार, ये जो होता है इसे हम कहते हैं लंब, और ये होता है हमारा कर्ण, यानी कि जो बड़ा वाला होता है उसे कर्ण कहते हैं। होता क्या है कि फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वैल्यू निकालनी है हमें सिर्फ कर्ण की तो ये अंडर रूट में चला जाता है और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है। ये है फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रखनी है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि अंडर रूट में 25, और इसे बाहर निकालेंगे 5 किलोमीटर, जैसा कि लोगों ने आंसर दिया है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, वो ध्यान क्या रखनी है बात, वो ये क्या कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला याद रखने की, कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, इसमें अपना दिमाग मत खपाइए। आपको याद क्या रखना है कि ऐसा जब भी होगा आपसे बड़ी वैल्यू पूछी जाएगी, कौन सी वैल्यू पूछी जाएगी, बड़ी वैल्यू पूछी जाएगी, बड़ी वाली जो लाइन होती है, तो बड़ी वाली इज इक्वल टू अंडर रूट में दोनों छोटी वैल्यू का स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, आंसर आ गया। तो ये कर्ण लंब आधार, कर्ण लंब आधार क्या है, इस पे आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ ये करिए। अभी हम 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ इन्हीं का यूज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन शुरू। अब तक मैं सिर्फ आपको बेसिक चीजें बता रहा था, बेसिक लेवल बता रहा था कि क्या क्या यूज हम करेंगे, किन किन वर्डों का यूज करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो कैसे होंगे, देखो क्वेश्चन हमारे डायरेक्शन में होते हैं 7 टाइप के। लोग इसे बहुत आसान समझते हैं कि भाई ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा, पेन चला दिया और आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या कि डायरेक्शन में हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7। जी गुरजोत क्वेश्चन लिख दो, आप टाइप कर दो, मैं देख लूंगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, कुछ अगर क्वेरी है तो नहीं समझ में आया वो बोल दो, लिख दो आप टाइप कर दो, अभी शायद ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा। चलिए आगे देखते हैं, फिलहाल क्वेश्चन बताता हूं मैं आगे। तो पहला टाइप जो हमारा है वो है जब आपसे दिशा पूछी जाए, केवल क्या पूछी जाए, दिशा पूछी जाए और कुछ ना पूछी जाए, सिर्फ दिशा पूछे, डायरेक्शन पूछे। जैसे क्वेश्चन आपको मैं लिखता हूं, एक क्वेश्चन से समझाता हूं, ऐसे आप नहीं समझेंगे, कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर वह
दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ता है, और अंत में बाएं मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें आपसे क्या पूछा है, सिर्फ दिशा पूछिए कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर एक बार फिर दाएं मुड़ा, और फिर वो कहां मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो अब तक आप लोग जो करते आए हैं वो कैसे करते आए हैं, बहुत बढ़िया नीलम, एसपी गौतम, यूसुफ पश्चिम, बहुत बढ़िया। हाँ यूसुफ सीखे हुए भूले नहीं हो भी, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो इसके लिए आप समझिए कि हम क्या करेंगे भाई, इसमें हमें सिंपल सा करना है जो अब तक करते आए कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, आप ऊपर की ओर 5 किलोमीटर चले गए, ठीक, ब्लैक से लिखता हूं, उत्तर की ओर आप कितना चले गए, 5 किलोमीटर चले गए, फिर वह किधर मुड़ा, दाएं, मैंने क्या बताया था, दायां किधर होता है, घड़ी की दिशा में, और घड़ी चलती है ऐसे, यहां पे पहुंचे हुए तो इधर चलेगी, यानी कि आप दाएं मुड़ गए, और कितना चले, अभी सिर्फ दाएं मुड़ने बोला, कितना चले बोला ही नहीं, तो आप छोड़ दो, फिर क्या बोला, पुनः दाएं मुड़ता है, यानी कि दोबारा, अब यहां हो, दायां किधर होगा, घड़ी नीचे चलती है, तो नीचे की तरफ कितना बोला ही नहीं है, रुक जाओ, और अंत में वह बाएं मुड़ता है, तो आप नीचे जा रहे हो, बायां किधर होगा भाई, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी चलती है ऐसे, यानी कि इधर चला गया, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया आपका, ये डायरेक्शन हो गया आपका ईस्ट, यानी कि पूर्व, बहुत अच्छे, जिनका आंसर ईस्ट है, विपिन, अंकित, सब पुराने स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग, ऐसे ही करते रहिए। अब यकीन ऐसे करना नहीं है भाई, क्यों, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना लेंदी हो जाते हैं, एक तो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ो, फिर ये सब लिखो, सोचो, टाइम दो, बहुत टाइम लगता है, हम पे सेकंडों का काम है भाई, इतना टाइम किस पे रखा है कि ऐसे बनाते रहो हर क्वेश्चन में, ना हम पे जगह होती है। तो करना क्या है, करना आपको यह है, इसका आंसर दिखाता हूं आपको चुटकियों में कैसे लाना है। तो आपने शुरू कहां से किया भाई, उत्तर दिशा से चलना शुरू किया, फिर आप कहां मुड़े, दाएं मुड़े, आप लिख दो दाएं, और दाएं को हम क्या लिखते हैं, राइट, अब मैं दाएं को राइट लिखूंगा, आर लिखूंगा, है ना, आप समझ जाना, और फिर कहां मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, दाया मतलब राइट, और फिर कहां मुड़ा भैया, बाएं मुड़ा है, बाएं मतलब लेफ्ट, तो अब मैं बाएं को एल लिखूंगा लेफ्ट, और दाएं को आर लिखूंगा यानी कि राइट, आप समझ जाइएगा। तो अब करना क्या है आपको, देखिएगा, एक दाएं से एक बायां, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल कर दूं, तो एक राइट से एक लेफ्ट आपने कैंसिल कर दिया, क्या बचा आपके पास, दायां बचा, राइट बचा, यानी कि आप कौन सी दिशा में थे भाई, आप थे उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा से आपको किधर जाना है, दाएं मुड़ना है, यानी कि घड़ी की दिशा में मुड़ना है, तो घड़ी की दिशा मतलब इधर, और ये कौन सी दिशा होती है, ईस्ट। तो आपने देखा कि यहां आपने पूरा बनाया, ये तो मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिखा था, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है ना, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना, जहां से चलना शुरू किया है वो लिख लिया, राइट मुड़ा तो राइट लिख लिया, फिर राइट मुड़ा है, फिर राइट लिख लिया, फिर लेफ्ट मुड़ा है, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल क्यों, क्या ये भी समझ लो, कुछ बच्चे कहेंगे क्यों कर दिया कैंसिल, किस लिए कर दिया, ऐसे नहीं होता, ये कोई बात हुई, तो समझ लो वो भी। देखो पहले हम दाएं मुड़े थे, और फिर दाएं मुड़े थे, और फिर बाएं मुड़े थे, अब इसमें समझ में आएगा नहीं, एक अलग से आपको समझाता हूं कि बाय चांस आप सपोज करो इसका आंसर ईस्ट आ गया, ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट आपको होगा नहीं, ये मैं रफ करता हूं और आपको समझाता हूं कि ये दायां बायां हमने काटा क्यों, समझिए, सपोज करिए आप उत्तर दिशा में खड़े, आप मुड़े दाएं, ठीक, और फिर आप मुड़ गए बाएं, बायां किधर होगा भाई, यहां खड़े हो तो ऊपर होगा, तो आप देखो जिधर पे चलना शुरू किया था दाएं से बायां कट गया, जिधर पे चलना शुरू किया था वो आंसर हो गया। तो जब भी आप सेम डायरेक्शन में जाते हो, एक दायां और एक बायां लेते हो, तो जिस दिशा से शुरू किया है वहीं पहुंच जाते हो, इसलिए हम एक दाएं से एक बायां कैंसिल कर देते हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चन को समझिए, मैं क्वेश्चन इतने बड़े बड़े नहीं लिख रहा, डायरेक्टली आपको लिखूंगा लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनिएगा मुझे, कैसे देखिएगा, सपोज करिए एक व्यक्ति पूर्व दिशा में है, ठीक है जी, वो 10 किलोमीटर चला पूर्व दिशा में, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, और फिर राइट मुड़ा, ठीक है, कितने बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, और पूछ रहा है आपसे कि बताइए अंत में वह किस दिशा में जा रहा है, अंत में वह किस दिशा में जा रहा है,
जिनका आंसर आता रहे वो कमेंट करते रहे, साउथ नीलम साउथ जल्दी जल्दी कमेंट भी करते रहिए जिनका आंसर आता रहे। ईस्ट, अलग अलग आंसर आने शुरू हो गए, दो ऑप्शन आ गए, दो बचे हैं, साउथ हो गया ईस्ट हो गया, और बताइए। ईस्ट, चलिए ईस्ट के दो हो गए, नीलम साउथ है, चेक करते हैं। देखिएगा, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, दूसरे राइट से तीसरा लेफ्ट कैंसिल, अब बचा क्या, राइट बचा साउथ, बबीता पाल साउथ, शेफाली बारदाव साउथ, पुलकित राजपूत साउथ, क्या बात है, साउथ वाले ज्यादा हो गए। चेक करते हैं भाई, अब पूर्व से राइट मुड़ना है। अब आपको पता है भाई, क्या पता है कि पूर्व दिशा होती है, आप यहां खड़े हो, किधर मुड़ना है, राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा मतलब ये मुड़ गए नीचे, आंसर हो गया आपका साउथ। तो जो बच्चे ईस्ट बोल रहे हैं अंकित, और जो भी ईस्ट बोल रहे थे बच्चों, आपका आंसर गलत है, आंसर होगा आपका साउथ। बढ़िया यूसुफ, आप बाकी लोग जिन्होंने साउथ आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है। मैं फिर समझा देता हूं, देखिएगा क्वेश्चन क्या था कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितना भी चलना है पूर्व दिशा में चला, राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, दूसरे राइट से दूसरा लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, राइट बचा, तो पूर्व के राइट में चले गए, आंसर हो गया हमारा साउथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सपोज करिए वो है भैया पश्चिम दिशा में, ठीक, लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, तो बताइए, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लास्ट वाला राइट नहीं सुना, इट्स ओके गौतम, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो सीख रहे हो ना, टेंशन नहीं लेनी है, करते रहो, बस कुछ समझ में आया तो मैसेज कर देना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा जो रिपीट करना हो। ईस्ट, अच्छा अभी गया, बहुत बढ़िया, चेक करते हैं भाई। तो देखिएगा क्या है, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल कर दो, कर दिया, दूसरे लेफ्ट से दूसरा राइट कैंसिल कर दो, कर दिया, बचा क्या हमारे पास, लेफ्ट बचा, यानी कि हमें किधर जाना है, लेफ्ट जाना है, तो आप हैं पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा किधर होती है, ये होती है, कहां जाना है, लेफ्ट जाना है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो आपको पता है घड़ी किधर चलती है, ऊपर की तरफ चलती है, तो आप जाओगे नीचे की तरफ, आंसर हो गया साउथ, दक्षिण आंसर साउथ। विपिन, पुलकित, बबीता पाल, नीलम, बहुत बढ़िया, पहले नीलम ने गलत किया, इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है नीलम जी, ध्यान रखिएगा आपको इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है कि गलत हो जाए, पेपर में भी यही गलती होती है, आसान क्वेश्चन समझ के हम क्या करते हैं, जल्दी से टिक टिक लगाया और नेगेटिव में चले गए, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है जी। बाकी बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, विपिन, पुलकित, बबीता, बहुत अच्छे बच्चे हो, तो देखिएगा क्या आंसर आ गया हमारा, साउथ आ गया, आई थिंक क्लियर हो गया, इतना तो आपने सिंपल समझ लिया, लेकिन बाय चांस सपोज करिए दिशा आ जाए बीच वाली, मतलब उसने बोला कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर कितना भी चला है ना, उससे मतलब नहीं चला, उसके बाद वो राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, तो बताइए अब वह किस दिशा में, सवाल शंकु अंकित, बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर लाने है ना, ये पुराने वाले का आंसर है ना, हाँ इसका देखते हैं अब। तो उत्तर पूर्व दिशा में एक बंदा है, वो पहले राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, और फिर लेफ्ट मुड़ा, तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है ना, कौन बताएगा सबसे पहले आंसर, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नीलम, पुलकित, बहुत अच्छे, बबीता पाल, साउथ ईस्ट, चलिए बच्चे समझ गए हैं, मतलब विपिन, हाँ आंसर आ रहे हैं इतनी जल्दी, देख लो सेकंड नहीं लगे आपको, साउथ ईस्ट, शेफाली, बहुत बढ़िया, चलिएगा यूसुफ, साउथ ईस्ट, यूसुफ मैंने बताया है साउथ ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट साउथ भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन में साउथ ईस्ट ही मिलेगा, है ना, कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, मनिल, साउथ ईस्ट, ठीक है। क्या करना है भाई, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, दूसरे राइट से दूसरा लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, राइट बचा, अब कुछ लोग बच्चे गलत कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, उत्तर पूर्व दिशा आपको कौन सी बताई थी, ये वाली, कि ऊपर की ओर और टेढ़ा, टेढ़ा क्यों, इधर पूर्व होता है, ऊपर होता है यानी उत्तर होता है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में जाना कहां है भाई, राइट बचा है, राइट जाना है, राइट मतलब 90 डिग्री बताया था आपको, ये हो गया 90 डिग्री, अब ये नीचे की तरफ है और पूर्व की तरफ है ना, पूर्व की तरफ टेढ़ा है, तो नीचे क्या होता है, नीचे होता है दक्षिण, और इधर क्या होता है, पूर्व, तो आंसर हो गया दक्षिण पूर्व, यानी कि जो बच्चे बोल रहे हैं साउथ ईस्ट, सभी ने सही बोला है, आप सभी होशियार बच्चे हैं, तारीफ़ काबिल बच्चे हैं, अच्छा लग रहा है आप लोगों के आंसर इतने जल्दी आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका आंसर साउथ ईस्ट, इतना आप समझ चुके हैं, अब इसमें कुछ अलग करते हैं ना, ये कुछ समझ चुके हैं, अब कर ही लेंगे, अगली चीज देखते हैं कि सपोज करिए भाई आप हैं पश्चिम दिशा में, ये लिखा हुआ है पश्चिम,
ठीक है, क्या किया आपने कि पश्चिम दिशा से आप राइट मुड़े, फिर लेफ्ट मुड़ गए, फिर राइट मुड़े और फिर राइट मुड़े। तो आपसे पूछा कि अब किस दिशा में, जल्दी बताओ कौन बताएगा स्पीड में। बच्चे आंसर देते रहे मेरे राइट लेफ्ट लिखते ही, आंसर देते रहिए ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं तो इंतजार करता हूं ना आपके आंसर का। कौन सबसे पहले देगा? इंतजार है यूसुफ, ईस्ट। यूसुफ आंसर सही हुआ था सबसे पहले, बहुत बढ़िया। ईस्ट ईस्ट, सबका ईस्ट आ रहा है, यानी कि शायद आंसर ईस्ट है और सबसे पहले दिया यूसुफ ने। बबीता पाल ईस्ट, मनील ईस्ट, शेफाली वारदात ईस्ट, सभी का ईस्ट आया है, सब समझदार बच्चे भाई। चलिए चेक करते हैं भाई, जिनका नहीं आ रहा वो देखिएगा बोर्ड पर ध्यान से, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। विशाल गुड इवनिंग, कैसे हैं? चलिए देखिएगा विशाल, थोड़ा लेट हो गए, ध्यान दीजिएगा, कुछ निकला नहीं है ज्यादा। तो आपको करना क्या भाई, राइट से लेफ्ट कैंसिल। अब बचा क्या, दो राइट बचे, अब आप फंस गए। बोले यार सर ने दो राइट तो बताया नहीं, अब करोगे क्या? दो राइट घुमाओगे, कैसे घुमाओगे? कि सर जी पश्चिम में पहुंचे, अब आप राइट मुड़े, राइट यानी कि घड़ी की दिशा में, यानी कि ऊपर यहां पहुंच गए, फिर राइट मुड़े यानी कि इधर चले गए, ईस्ट आंसर हो गया। बच्चों आंसर सही है, लेकिन हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें छोटे से छोटा करना है, इतना भी नहीं करना, इसको भी कम करो। अब कम कैसे करें, देखो ईस्ट आ गया, ये तो मैंने आपको दिखा दिया भाई, डायग्राम ना बनाना पड़े इसलिए राइट लेफ्ट कर रहे हैं, फिर भी डायग्राम बनाना पड़ गया तो क्या फायदा हुआ राइट लेफ्ट का, है ना? तो अब क्या करें? बोले देखो अब क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था एक राइट का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है, बताया था नहीं? और ये राइट कितने हैं? दो हैं, तो 90 और 90, और 90 और 90 कितना हो गया, 180 हो गया। एक बात बताओ, कोई नॉर्थ में है और मैं बोलूं यहां से 180 जाओ, तो आपको पता है ये 90 और ये 90 कितना हो गया, 180। आंसर क्या हो गया? साउथ हो गया। ठीक, सेम चीज, कोई बंदा पश्चिम में है, 180, तो 90 या 180, ईस्ट आंसर हो गया। हो गया, तो दो राइट का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, और क्लॉकवाइज राइट मतलब क्लॉकवाइज, आपको पता है, मैं बता चुका हूं पहले ही, है ना? तो हमारा आंसर क्या हो गया, ईस्ट आंसर हो गया। तो इसको करना कैसे, एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि जब भी दो राइट या दो लेफ्ट हो, दो राइट हो या दो लेफ्ट हो, तो आपको क्या करना है, जब भी आप पे दो राइट या दो लेफ्ट होंगे तो जो दिशा दे रखी है, जैसे दिशा दे रखी थी पश्चिम, उसकी विपरीत दिशा आपका आंसर होगी। तो पश्चिम का विपरीत क्या होता है, पूर्व होता है, ईस्ट होता है, यह हमारा आंसर हो गया। यानी कि पैन नहीं चलाना, मैं पहले बोल रहा हूं पैन नहीं चलाना, क्या करना है, हम राइट मुड़े लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े राइट मुड़े, दो राइट आ गया। जब भी आपके पास दो राइट या दो लेफ्ट बचेंगे तो क्या होगा, जो दिशा दी है उसकी विपरीत दिशा हमारा आंसर होगी। ठीक है, जो दिशा दी है उसका विपरीत दिशा हमारा आंसर होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पश्चिम का विपरीत में गए तो पूर्व हो गया। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कौन सबसे पहले आंसर देगा देखेंगे। ठीक है, देखिएगा, उत्तर दिशा में कोई बंदा है, पहले लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा और फिर लेफ्ट मुड़ा, तो बताइए आप किस दिशा में, जल्दी बताइए किस दिशा में है। ठीक है, जल्दी से बताइए, इतनी देर लगाएंगे तो कैसे चलेगा भाई। साउथ साउथ साउथ, सबसे पहले जवाब दिया मनिल ने, विपिन का वेस्ट आया। विपिन अगर गलत हुआ ना तो ऐसी बातें करोगे, गलत कैसे हो रहा है, चलो देखते हैं। साउथ साउथ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अब आ गए लाइन पे, चलो विपिन ध्यान से, हाँ जल्दी नहीं करनी। देखिएगा अब क्या हुआ भाई, लेफ्ट से राइट गए, अब राइट से लेफ्ट गए, बचा क्या, दो लेफ्ट, और अभी बताया है दो राइट या दो लेफ्ट होंगे तो क्या करेंगे, अपोजिट, क्या करेंगे, अपोजिट। और उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है या साउथ होता है, जो कि हमारा आंसर है। आई थिंक ये भी समझ गए। देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा क्योंकि टाइम भी हमारे पास ज्यादा नहीं होता, और जो बच्चे अभी आए हैं आप लोग बाकियों को भी अपने फ्रेंड्स को मैसेज करते रहो, वो आए नहीं है कुछ बच्चे तो उनको भी मैसेज कर दो कि भाई लाइव क्लास चल रही है जल्दी से आ जाए क्लास में, ठीक है, छूट जाएगा वरना उनका। तो ये हो गया हमारा साउथ, अब आगे करते हैं। अब जो आंसर देगा, देखो ये तो आसान था आपने कर दिया, अब जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसके लिए तालियां, है ना, देखते हैं भाई। तो एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में है, कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है, वो राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है और फिर राइट मुड़ता है, तो बताइए वो किस दिशा में होगा, बताओ सांभा,
किसका सबसे पहले आंसर आएगा? जल्दी बताओ, चश्मा उतार दो भाई, पसीना आ रहा है। शेफाली भारद्वाज नॉर्थ ईस्ट, नीलम नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों के आंसर गलत गलत। तो ये दोनों मेरे जानने वाले लोग हैं, हाँ गलत गलत आंसर ला रहे हो। अंकित वेस्ट, अंकित दोबारा चेक करो बेटा। विशाल उत्तर पूर्व, लिखा बड़ा खतरनाक है तुमने, उत्तर पूर्व। चलिए देखते हैं विशाल जी। मनिल वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ मनिल जी हमेशा ना नॉर्थ या साउथ पोल होते हैं, तो पहले नॉर्थ देखते हैं उसके बाद हम वो करते हैं, नॉर्थ वेस्ट होगा। चलिए फिलहाल ठीक है, आंसर आप चेक करते हैं आंसर। जितेंद्र कुमार नॉर्थ वेस्ट, विपिन राजपूत नॉर्थ वेस्ट, पुलकित नॉर्थ वेस्ट। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो। देखिएगा राइट से लेफ्ट गए, क्या बचा? दो राइट बचा। दो राइट मतलब फिर कंफ्यूज हो सकते हो, यार फिर अटका दिया सर ने, दो राइट ला दिए कैसे करें, है ना? तो दक्षिण पूर्व दिशा होती है ये, पहला राइट 90 डिग्री पर ये, और दूसरा राइट 90 डिग्री पर ये। यानी कि जो बच्चे बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, अंकित गलत आंसर बेटा, गलत आंसर है ना? क्यों है गलत मैं बताता हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लो। जिनका गलत आया है, मुझे पता था इसमें गलत आएगा, क्योंकि ये बीच की दिशा आ गई तो आप लोग भटक जाते हो इसमें, है ना? ज्यादा दिमाग लगा लेते हो अपना जो नहीं लगाना। देखो आपको दो राइट यानी कि विपरीत दिशा बतानी है। मैं आपको ये देखो ये बना देता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट। अभी बात बताओ कौन सी दिशा दी है, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट दिए ना बेटा, साउथ ईस्ट दिए, तो साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या है विपरीत दिशा? ये है नॉर्थ वेस्ट है, विपरीत दिशा क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। तो जिन बच्चों का आंसर नॉर्थ वेस्ट आया है, उत्तर पश्चिम पूर्व नहीं होगा, उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है? अब इसको और आसान कर देता हूं, है ना? हेलो निखिल चौधरी, लेट हो गए निखिल। सर मेरा सही था आंसर, अच्छी बात है, ओके सर जी, हाँ ठीक है। देखिएगा अब क्या करना है, ये नॉर्थ वेस्ट हुआ क्यों, है ना? अपोजिट जाने में ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है आपको, कौन बनाएगा चित्र कंफ्यूजन हो रहा है, वो मत करो। इतना तो पता है ना कि नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, ये तो पता है ना कि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, सिर्फ ये ध्यान रखो। तो एक बात बताओ, क्या बताना है कि ये क्या था, ये था आपके पास साउथ ईस्ट, तो सिर्फ इतना बताओ कि साउथ का अपोजिट क्या होता है? बोले गुरु जी नॉर्थ होता है। सर जी नॉर्थ होता है, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट होता है। ये लो जी आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट। सर हार्ड क्यों पूछिए, अंधू पेपर में तो हार्ड ही आएगा, हार्ड तो पूछना पड़ेगा विशाल जी। अबे हार्ड भी आसान लगेंगे, सीख जाओगे तो, ठीक है? देखिएगा क्या करना है, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? बस इतना करना था और कुछ नहीं करना था। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, क्योंकि बच्चों के कुछ गलत आंसर आए थे, उनकी समझ में आ गया या नहीं आ गया ये चेक करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, उत्तर पश्चिम, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट। बताओ भैया किसका आंसर सबसे पहले आएगा? हार्ड क्वेश्चन पूछने को कह रहा हूं। अच्छा हार्ड क्वेश्चन पूछने को कह रहे हो, चलो विशाल हार्ड भी पूछते हैं, पढ़े हुए हो पहले, है ना, इसलिए कह रहे हो। अभी पूछते हैं, हार्ड भी टेंशन ना लो, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं ना। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा, तो उनके लिए पहले ये जरूरी है, उसके बाद हम आपसे हार्ड भी पूछेंगे, टेंशन ना लीजिए। साउथ ईस्ट मंदिर का सबसे पहले आया, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट। शाबाश विशाल, अभी कराते हैं हार्ड, हाँ टेंशन ना लो। साउथ ईस्ट आ गया बच्चों का, चलिए पुलकित का भी साउथ ईस्ट आ गया, ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। निखिल चौधरी साउथ ईस्ट, बहुत बढ़िया निखिल, चेक करते हैं। देखिएगा लेफ्ट राइट कितना आसान है ना, कट कर दिया। क्या बचा? दो लेफ्ट बचा, यानी कि उल्टा जाना है। ये पता है नॉर्थ है, ये पता है वेस्ट है, ठीक है? तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, आंसर हो गया साउथ ईस्ट। बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर सही था, आप ये समझ चुके हैं। तो ये टॉपिक मैं फिनिश कर रहा हूं, इतनी आसानी से नहीं, थोड़ा और चलाते। एक चीज और बता दूं, फिर ये अलग खत्म करता हूं, अगली चीज लेके आता हूं, ठीक है? सपोज करिए उत्तर है, पहले लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, जल्दी बताओ आंसर। कोई उत्तर दिशा में है, लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, तो अब कौन सी दिशा में पहुंच गया? अब कौन सी दिशा में पहुंच गया? नॉर्थ साउथ। शेफाली ऐसी हरकतें ना करें, गलत आंसर है आपका, नॉर्थ 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 नॉर्थ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत सही खेल रहे हैं,
बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। देखिएगा भाई, मैंने आपको बताया कि दो लेफ्ट है तो वो क्या हो रहा था, 90-90-180 हो रहा था, इसलिए हम रिपीट लिख रहे थे। अब ये कितना हो गया, 90-90-90-90, टोटल हो गया 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, पूरा गोला। देखो एक बार प्रूफ कर देता हूं, सपोज करो आप उत्तर दिशा में हो, लेफ्ट मुड़े, फिर लेफ्ट मुड़े और फिर लेफ्ट मुड़े, ठीक, घड़ी इधर चलती है, तो लेफ्ट मुड़े और फिर लेफ्ट मुड़े, तो किधर आंसर आ गया, उत्तर आ गया, जहां चलना शुरू किया था वहीं पहुंच गए। ऐसे बनाने का टाइम हमारे पास है नहीं, तो मैंने क्या बताया था कि 180 मतलब विपरीत, अब ये नॉर्थ में है, 90-180-360, दोबारा से लौट के कहां आ गया, नॉर्थ पे आ गया। तो जब भी, क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, सर आज अमित सर की क्लास कितने बजे से है, अमित सर की क्लास मेरे बाद है, जब भी चार लेफ्ट या चार राइट होंगे तो जो दिशा दी है वही दिशा आंसर होगी, ठीक है। ये था आपका तरीका, इसमें ज़्यादा नहीं कर रहे। सर कल भी है क्या आपकी क्लास, अमनजीत आज तो पढ़ रहे हो तुम बेटा, बच्चे लेके नहीं आए, हाँ सारे बच्चे गायब हैं, देखते हैं अमनजीत कल, पहले अमित सर की है वो लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये हो गई आपकी उत्तर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये समझ गए आप। चार बार जब होगा तो वही दिशा आंसर होगी, दो बार जब भी होगा विपरीत दिशा आंसर होगी। देखिए दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है जब आपसे अंतिम दिशा में अंतिम दिशा पूछी जाए, ठीक है, या प्रारंभिक दिशा पूछी जाए। जैसे अभी हमने बोला था कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, अब सपोज करिए उसने दिशा दी ही नहीं, कुछ बच्चे चले गए थे, कोई बात नहीं मंजीत आ जाएंगे, है ना, बता देना। देखिएगा जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन समझाने के लिए लिख रहा हूं पहला, कि क्वेश्चन होगा क्या कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है फिर बाएं मुड़ता है और अंत में दाएं मुड़ता है। यदि अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, यानी कि इसमें आपको पहली दिशा नहीं दी गई। जितेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार अलग अलग तरीका कुछ नहीं है, बस जो हमें शॉर्ट पड़े, जिसमें हमें पेन लगाने की जरूरत ना पड़े और जो आसानी से समझ में आ जाए, वो तरीका हमें अपनाना है, क्योंकि हमें जॉब लेनी है, हमें तरीके का अचार नहीं डालना है ना। समझ में आपके आ रहा होगा, नहीं समझ में आ मुझे बताना, मैं समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए जिनका आंसर आ गया है साउथ, बहुत अच्छी बात है। अब जिनका नहीं आया है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, देखो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ बच्चों। कुछ लोग सोच रहे होंगे कितना आसान पढ़ा रहे हैं, मुझे आता है कोई भी पढ़ा देगा। बच्चों कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो अभी हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल लो लेवल से लेके चल रहा हूँ, आपके बेसिक लेवल से, ताकि जो बच्चा बाद में भी कभी देखे भूल जाए पूरा चैप्टर, तो उसके सब कुछ समझ में आए, ठीक है। तो अभी साउथ देखते हैं हुआ कैसे, करना कैसे। तो पहले आपको नॉर्मल करके दिखाता हूं कि कैसे करना है, जैसे आप करते आए हो, और फिर मैं, हाँ ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूं कि तरीका क्या है, शॉर्ट में कैसे करना है। सबसे पहले एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ा, किधर चला कुछ नहीं बताया, तो जिधर मर्जी हो उधर चले जाओ, ठीक है, जहां मन करे वहां चले जाओ। तो सपोज करो आप गए उत्तर दिशा में, कितना चले 10 किलोमीटर चले, बाएं मुड़ता है, आप बाएं मुड़ गए जी, फिर बाएं मुड़ता है तो दायां ऊपर यानी कि बायां नीचे, और अंत में दाएं मुड़ता है, नीचे की तरफ जा रहे हो, दायां किधर होगा, बोले इधर होगा, इधर पहुंच गए आप, कहां पहुंच गए, इधर पहुंच गए। और ये दिशा उसने आपको कौन सी दी है, ये दिशा उसने आपको जो दी है वो पूर्व दी है, ठीक है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग करना है कि अगर ये पूर्व है
तो आप मुझे बताओ इधर क्या होगा? पश्चिम होगा। ये पूर्व है तो इधर क्या होगा? पश्चिम होगा। और मैंने बताया था जो पूर्व है वो किसके क्लॉकवाइज होता है? नॉर्थ के क्लॉकवाइज होता है, उत्तर के क्लॉकवाइज होता है। तो ये उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा, ये उत्तर होगा और ये दक्षिण होगा। तो उसने क्या पूछा कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। ठीक है जी। अब देखो जो बच्चों से गलतियां हुई हैं या जो बच्चों ने गलतियां करी हैं या क्या है क्या नहीं है, जिन बच्चों का आंसर साउथ आया है वो बिल्कुल सही है। क्यों है साउथ? किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं यह आंसर क्या आ रहा है साउथ बच्चों का आ रहा है किस दिशा में। यहां से और में फर्क है, यह मैं अभी आपको बताऊंगा। से और में, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया और किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, ये दो अलग अलग बातें, ठीक है, ये दो अलग अलग बातें। एक तरीका तो यह है डायग्राम से बनाओ, दूसरा तरीका क्या है कि पहली दिशा आपको नहीं दी, आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, लगा दिया, फिर लेफ्ट मुड़ा तो लेफ्ट लिख दो, फिर लेफ्ट मुड़ा लेफ्ट लिख दो, फिर राइट मुड़ा राइट लिख दो। और कौन सी दिशा में पहुंच गया? ईस्ट दिशा में पहुंच गया, पूर्व दिशा में पहुंच गया। ठीक है जी। तो अब ईस्ट दिशा में पूर्व दिशा में पहुंच गया तो आपको बता रखा एक लेफ्ट से एक राइट, कैंसिल, बचा क्या आपके पास? लेफ्ट बचा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कि इसमें हम उल्टा जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उल्टा जा रहे हैं। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि आपसे प्रारंभिक दिशा पूछी जाएगी, है ना, पहली दिशा नहीं दे रखी होगी, तो आपको जो बचेगा उसको उल्टी दिशा रख देना है। लेफ्ट बचेगा तो आपको राइट कर देना है, और राइट बचेगा तो आपको लेफ्ट कर देना है। तो लेफ्ट बचा तो आपने राइट कर दिया, यानी कि ईस्ट के राइट में चले जाओ। तो ईस्ट होता है आपका ये, इसका राइट क्या होगा? इसका राइट नीचे हो गया साउथ, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी। ईस्ट के राइट में चले गए, साउथ आपका आंसर हो गया। अब हमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। और किस दिशा में पूछता तो आंसर क्या हो जाता? उत्तर हो जाता। किस दिशा में पूछता तो आंसर क्या हो जाता? उत्तर हो जाता। जस्ट अपोजिट आंसर होता है, में और से में इतना फर्क है। अभी क्वेश्चन तो आप समझ गए कि इस तरीके से आएगा। एक क्वेश्चन आपको और लिखता हूं इस तरीके का, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि ये इतना भारी टॉपिक नहीं है, ज्यादातर बच्चे समझ गए होंगे। जिसकी समझ में ना आया वो मुझे क्वेश्चन लिख देना कि दोबारा रिपीट करो कमेंट में। सर मैं साउथ था। हाँ अब ठीक है, फिर साउथ था उनका आंसर। तो आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप देखिएगा कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में है, सॉरी पहली दिशा आपको नहीं दी है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। पहले एक व्यक्ति राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, और अंत में यदि वह दक्षिण दिशा में जा रहा है तो उसने किस दिशा पर चलना प्रारंभ किया? जो प्रारंभिक बिंदु था, प्रारंभिक दिशा थी, वो कौन सी थी? बताइए आंसर। जो प्रारंभिक दिशा थी वो कौन सी थी? आंसर बताइए। वेस्ट, नॉर्थ, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। करिए, वेस्ट है, नॉर्थ है, और बताइए। चलिए देखिए मैं बताता हूं, जिन बच्चों का नहीं आ रहा, समझ में नहीं आया, वो समझ लो। ईस्ट, सबका तीन ऑप्शन आ गए, वेस्ट भी आ गया, नॉर्थ भी आ गया, ईस्ट आ गया, मतलब आंसर अलग अलग है, इसका मतलब समझ में नहीं आया है ना। चलिए देखिएगा, समझिए ध्यान से, बोर्ड पर देखिए सिर्फ जिनका आंसर आ गया, ठीक है, कमेंट को छोड़िए, ध्यान से बोर्ड पर देखिए करना क्या। देखो भाई, राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट बचा, और मैंने बताया आपको क्या करना है, आपको जो बचा है उसका विपरीत कर देना है। तो राइट बचा है, इसको लेफ्ट कर दो, राइट को हमने क्या कर दिया? लेफ्ट कर दिया। तो दक्षिण का लेफ्ट बता दो क्या होता है, ये रहे साउथ में, घड़ी ऐसे चलती है, तो लेफ्ट हो गया ये, यानी कि ईस्ट हो गया आपका आंसर, यानी कि उसने ईस्ट दिशा से चलना प्रारंभ किया था। अब देखो एक बार प्रूफ कर देता हूं, कुछ बच्चे ना क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बहुत बढ़िया निखिल, यही तो कह रहा हूं मैं, तुम समझदार हो, देखो सबसे ज्यादा तुम ही समझते हो। चलो देखो आगे, देखो करना क्या है। अब मैं एक बार प्रूफ कर देता हूं उल्टा कि आंसर सही है या नहीं, है ना। देखो ईस्ट से चलना प्रारंभ किया तो आप ईस्ट चलो, चलिए आप मुड़े राइट यानी कि ऊपर गए, फिर मुड़े लेफ्ट यानी कि ये गए, फिर मुड़े राइट यानी कि ये गए, ठीक है। अब ये आंसर हो क्या रहा है, ये उत्तर दिशा में जा रहे हो, कहां जा रहे हो? उत्तर दिशा में। चलना स्टार्ट कहां से किया था?
दक्षिण दिशा से किया था। नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो ना, तो इसमें यह कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इसलिए हमें क्या करना है। निखिल भाई अगली बार 1000 व्यूज होने चाहिए। अच्छा तुम सही कह रहे हो, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा अमन, ठीक है। यह हो गया दक्षिण हमारा आंसर, तो यह भी आप समझ चुके हो। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक। दो टॉपिक हमारे खत्म हुए कि क्या, कि जब दिशा पूछी हो तो हमें राइट लेफ्ट कट कर देना है, जो आएगा वो आंसर। जब पहली दिशा पूछी हो तो पहले हमें क्या करना है, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर देना है, उसके बाद आंसर देंगे। तीसरा टॉपिक हम करते हैं एंगल वाला, कि जब कोण पूछा जाता है तो कैसे करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा, रवि का मुंह, रवि का मुंह या रवि, रवि उत्तर दिशा में खड़ा है, वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, बच्चों इंग्लिश में देख रहा हूं समझ आना है ना, हिंदी में बोल रहा हूं, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घूमता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है और अंत में 90 डिग्री और अंत में 90 डिग्री दक्षिणावर्त, अंत में 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो बताइए अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक, ये होगा एंगल वाले क्वेश्चन। बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन एंगल वाले ज्यादातर आए थे, जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, जो हमारे 10+2 से क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको नॉर्थ ईस्ट सवाशमन यही उम्मीद है तुमसे, ठीक है। विपिन नॉर्थ ईस्ट, मनिल बहुत बढ़िया, देखेगा जिनका आ गया अच्छी बात है। हाँ सवाश, देख लेते हैं आंसर, ठीक है जी। दो तरीके करने के, एक कि आपको मैंने अभी सारी दिशाएं बताई थी कि हर दिशा में 45 डिग्री का गैप होता है, तो वो कौन सी दिशा में था, उत्तर में था, वहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा यानी घड़ी की दिशा में। मेरा नहीं आया सर, कोई बात नहीं, अंकित मैं बता रहा हूं, अभी बताया गया क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है, तो उत्तर दिशा में था ये, ठीक है, देखते रहो ध्यान से, है ना अंकित, बोर्ड पर समझना, उत्तर दिशा में था, वहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, आपको पता है घड़ी की दिशा ये चलती है ऐसे, यहां पहुंच गया 45 डिग्री का गैप होता है, पहले ही बताया, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त दिशा में, वामावर्त का मतलब मैंने बताया था, वाम मतलब विपरीत यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो देखो यहां से 45 तो यही हो गया और 45 ही हो गया, कितना हो गया 90, और अंत में वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, अब फिर से 90 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमा, तो यहां से 45 और 45 90 यानी कि यहां पहुंच गया, अंत में कहां पहुंच गया, ये जगह पहुंच गया, और ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ये आपका आंसर है। लेकिन ऐसे में आपको कंफ्यूजन होगा, जो कि आपको हो रहा है मुझे दिख रहा है, तो तरीका क्या है भाई, तरीका आपका ये है कि आप लिख लो कि कौन सा चीज कहां चली है ना। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज की बात करते हैं, क्लॉकवाइज वो पहले कितना चला, 45 डिग्री चला, फिर कहां चला, बोले फिर भैया वो वामावर्त दिशा में चला यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चला, और कितना चला, 90 डिग्री चला, और फिर कहां चला, फिर दक्षिणावर्त यानी कि फिर क्लॉकवाइज, तो जो सेम होते हैं, जो सेम दिशा में घूमे होते हैं यानी कि क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज दोबारा घूमे, उनको हम साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज फिर कितना चला, 90 डिग्री चला, अब इनको जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज हमारे पास 135 और एंटी क्लॉकवाइज हो गया हमारे पास 90 डिग्री। करना क्या है आपको, जो भी बड़ा आएगा उसमें से छोटा माइनस कर देना है, कर दिया जी, कितना आ गया, 45 आ गया, 45 कौन सा वाला होगा, जो बड़ा है, बड़ी वैल्यू मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि आप हो उत्तर दिशा में, आपको यहां से कितना चलना है, 45 डिग्री चलना है, और किधर चलना है, बड़ा वाला मतलब क्लॉकवाइज, तो आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि ये पहुंच गए,
ये दिशा हो गई, और ये दिशा कौन सी है बच्चों, ये दिशा है नॉर्थ ईस्ट। तो ये नहीं करना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना, क्या करना है, ये करना है कि जो सेम है उन्हें जोड़ दो और जो अलग है उसको माइनस कर दो। ठीक है, आगे समझ लेते हैं, इसको और आसान बना देता हूं कि ऐसे भी मत करो, इसको और आसान बना देता हूं कि जोड़ो मत, घटाओ मत, कुछ मत करो, बस इन्हें लिख लो। और लिख कैसे लो, बस लिख ऐसे लो कि क्लॉकवाइज सबसे पहले 45, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 और फिर क्लॉकवाइज 90। तो क्या करो, जो विपरीत है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, इनको आपस में काट दो। तो 90 से 90 कट गया, कट गया, क्या बचा, 45 डिग्री बचा, और किधर बचा, क्लॉकवाइज बचा, यानी कि नॉर्थ के 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि ये आपका आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट। पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो भी तरीके बता रहा हूं वो ऐसे बता रहा हूं कि आपको पेपर में पेन चलाने की जरूरत ना पड़े और आपका आंसर जो है वो 5 से 10 सेकंड में आ जाए, इससे ज्यादा नहीं लगाना रीजनिंग में किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो कितना आंसर हो गया हमारा, नॉर्थ ईस्ट हो गया, समझ चुके हैं। देखो जो चीज समझ में आ जाए करे ना, उसको लिख दिया करो, यस सर समझ में आ गया, और नहीं आया तो जल्दी से लिखा करो सर रिपीट करो, तो मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि फिर क्वेश्चन मिट जाएगा। समझ में आ गया, यस ठीक है, अच्छा बात है। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप समझ चुके हो कि क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली लिखता हूं, साई सर 7:36 PM, यस सर, ओके ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली क्वेश्चन दूंगा और आपको आंसर बताना है जल्दी से जल्दी। तो लिखिए जल्दी से क्वेश्चन, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्लॉकवाइज चला 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज चला 45 डिग्री, क्लॉकवाइज चला 135 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज चला 90 डिग्री। बताओ जल्दी से आंसर कौन सी दिशा में है। ठीक है, और समझ में आ गया आप लोगों के, तो बने रहिए हमारी ऐप पर और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैंने पहले भी बोला था, सब बच्चों को बताओ जो नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि चाणक्य का ऐप हो गया है ना, काफी बच्चों को पता नहीं है, तो आप क्या करो सबको जल्दी से बताओ। और हमारा एनटीपीसी का जल्दी से बैच शुरू हो रहा है, तो डेमो भी आपके लिए होते रहेंगे नए नए, है ना, हम लोग आप। ठीक है, चलिए जी देखते हैं अब। तो क्या करा आपने, देखो एंटी क्लॉकवाइज 90 और 45 कितना होता है, 135, 90 और 45 135, क्लॉकवाइज 135, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 और 45 135 हो गया, क्लॉकवाइज 135 हो गया, आपस में कट गया, बचा क्या, क्लॉकवाइज कितना बचा, 90 डिग्री, यानी कि आप उत्तर दिशा में हो, यहां हो, 90 डिग्री जाना है, और किधर जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, ये होता है, ये दिशा होती है ईस्ट, यानी कि पूर्व आपका आंसर हो गया। बच्चों की टेंशन मत करो, अमनजीत पर बहुत अच्छे, तुम पे भी है निखिल, अमनजीत से क्या होता है, तुम भी तो लेके आओ, सब बच्चे शेयर करो वीडियो को ग्रुप में, जितने भी आपकी कंपटीशन के ग्रुप हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह शेयर करो, बच्चे आएंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी पढ़ाते हुए, है ना। चलिए आगे करते हैं भाई, आंसर हो गया ईस्ट, आपकी समझ में आई थिंक आ चुका है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, तो ज्यादा मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ रही है ना। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्या करना है, बस कैंसिल कर दो जो बचा उस पर आंसर आ जाएगा हमारा, ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी है। अगला टॉपिक करते हैं भाई, तो हमने कितने टॉपिक कर लिए अभी, 3 टॉपिक कर लिए, कौन कौन से, जब पहली दिशा पूछी जाए, है ना, उसके बाद जब आपसे अंतिम दिशा पूछी जाए, और तीसरा हमने कर लिया एंगल। अब हमें क्या करना है, अब आप परछाई वाले कर सकते हैं, अब आप एंगल वाले कर सकते हैं, या अब आप विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन कर सकते हैं, यानी कि जब आपसे डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछा जाए तब कैसे करेंगे। तो अभी तो देखो ये बहुत सिंपल से चल रहे थे, अब हम थोड़े हार्ड लेवल पे आते हैं, जब बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछे जाए। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाकी आप समझ जाओगे, देखिएगा। निखिल आई थिंक नंबर की जरूरत नहीं है, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, दे दिया तो। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक ध्यान से देखना, दिव्यांशु 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, इसे 15 रहने दो, 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अभी बहुत छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे बड़ा बाद में करूंगा, तो बताइए, अब इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, तो बताइए पहला क्वेश्चन,
उसने कुल कितनी दूरी चली। दूसरा क्वेश्चन, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी बताइए। तीसरा क्वेश्चन, उसका मुख किस दिशा में है। और चौथा क्वेश्चन, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है जी। ये चार क्वेश्चन हो गए। निखिल के आंसर बहुत सही आ रहे, निखिल शाबाश। अंकित का भी आया है भाई, 5 साउथ, बहुत बड़े अंकित। चलो जिन बच्चों के आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, चार क्वेश्चन लिखे हैं ना पेपर में, आपको कोई सा एक मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये नहीं पता कि वो कोई सा एक जो है वो कौन सा है ना। और कभी कभी हम लैंग्वेज में घूम जाते हैं और आंसर गलत लिख देते हैं। अब आपने मिक्सअप कर दिया, अब कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने नॉर्थ ईस्ट दिया है, कौन से का ईस्ट दिया है पता ही नहीं चल रहा। आंसर देना है तो कैसे दो कि पहला कितनी दूरी है, तो पहला इज इक्वल टू 7, इस तरीके से दो ताकि मुझे पता चल जाए कौन से का कौन सा आंसर है, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, मैं समझा देता हूं। इनमें से कोई एक मिलेगा पेपर में, 2 भी मिल सकती है, 3 भी और 4 भी मिल सकता है। करना कैसे वो समझ लो। करना ऐसे है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, जब आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पूछी जाए तो आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। कैसे, दिव्यांशु 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, ठीक है जी। तो 3 किलोमीटर उत्तर चले जाओ, चले गए जी 3 किलोमीटर उत्तर। फिर क्या किया उसने, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। दाया मतलब इधर मुड़ा, कितना चला, 4 किलोमीटर चला, चल गया जी। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, हाँ शबाश अमनजीत, उसने कुल कितनी दूरी चली। कुल दूरी का मतलब होता है जितना भी चला है सबको जोड़ दो। तो पहले 3 चला था, फिर 4 चला था, तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर, यह हमारा आंसर हो गया पहले का, ठीक। बात करते हैं दूसरे की, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी बताइए। प्रारंभिक बिंदु आपका क्या है, ये है प्रारंभिक बिंदु हमारे पास, क्या है ये है, यहां से और ये उसका अंतिम बिंदु, यहां तक की दूरी पूछिए, ठीक, ये दूरी पूछिए। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके की आकृति आएगी हमें क्या करना होगा, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। और उसके लिए मैंने बताया था, छोड़ो कर्ण लंब आधार, ये याद रखो कि बड़े वाला का क्वेश्चन मार्क बड़ा वाला पूछा जाएगा। इसके लिए क्या करो, अंडर रूट में दोनों छोटी वैल्यू जो भी दे रखी है उनका स्क्वायर जोड़ दो। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 25, यानी कि आंसर आ गया 5 किलोमीटर। आंसर क्या आ गया आपके पास, 5 किलोमीटर। किसका आंसर हो गया, ये सेकंड वाले का आंसर हो गया, कितना हो गया 5 किलोमीटर, ये कितना हो गया 7 किलोमीटर। तो बेटा करते क्या हो ना, कभी कभी इस क्वेश्चन में आप 5 कर जाते हो, इस क्वेश्चन में आप 7 कर जाते हो, तो बस आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। अगला क्या, उसका मुख किस दिशा में। तो एक बात बताओ, यहां पहले इधर था फिर इधर गया, इधर जा रहा है, इधर कौन सी दिशा होती है, इधर आपकी दिशा होती है पूर्व। तो आंसर हो गया आपका तीसरे का पूर्व, यानी कि ईस्ट। और चौथा क्या है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु उसका ये है, यहां से ऐसे है टेढ़ा और ऊपर की ओर, इधर होता है पूर्व और ऊपर की तरफ है यानी कि उत्तर। तो आंसर आपका हो गया उत्तर पूर्व। समझे, समझ में आ गया तो जल्दी से लिखो यस सर, और समझ में नहीं आया तो लिखो जल्दी से रिपीट सर। कोई भी एक बच्चा अगर ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया है तो मैं रिपीट कर दूंगा, जल्दी से लिखो और रिपीट करो सर। किसी भी एक की समझ में नहीं आया तो आप रिपीट लिख दो, मैं रिपीट कर देता हूं। यस सर, यस सर, यस सर, अंकित, अमन, पुलकित, नीलम, मनिल, बहुत अच्छे, सबकी समझ में आ गया। विपिन, यस सर, ठीक है बच्चों, आप सबकी समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन कैसा है कि आप समझ चुके हो ना, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये मैं रफ कर रहा हूं, ऐसे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन होती है, प्रॉब्लम होती है। हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना, लॉकडाउन में भी कोरोना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो प्लीज कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप लोग वीडियो को, ऐप के बारे में सब बच्चों को बताओ और उनसे बोलो कि चाणक्य से जुड़े,
नए नए बैच आ रहे हैं और सबसे सस्ते आप कहीं देख लेना, इतनी फीस में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, आप किसी भी ऐप पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐप डाउनलोड करो और चाणक्य से जुड़े रहो। ठीक है, आगे जुड़ते हैं। चलो अब इस तरीके का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, फिर मैं अगले टॉपिक पर चलता हूँ। इसके बाद इस तरीके का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर अगले में चलता हूँ। अब ठीक है, आज हम ये क्वेश्चन करते हैं, आपका ये टॉपिक ही पूरा हो जाएगा। तो आज हमने चार टॉपिक कर लिए, फिर कुछ रह जाएंगे आपके परछाई वाले, वो क्वेश्चन और कराएंगे हम लोग, परछाई वाले और फिर योगा वाले, कि जब एक व्यक्ति उल्टा खड़ा होता है ना, उसका मुंह पश्चिम दिशा में तो राइट हैंड की तरह, इस तरीके के क्वेश्चन और होंगे जो हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल आज हम ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद अगले टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, राम राम, राम राम सत्यम, राम राम। और कोशिश किया करो आप सभी बच्चे जितने ही मौजूद है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ये तो चलता ही रहेगा, मेरी क्लास में हमेशा सबसे पहले आके बोला करो वंदे मातरम। ठीक, वंदे मातरम सर, तो आप सभी को वंदे मातरम। जतिन चौधरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जतिन, वंदे मातरम। आगे देखते चलिए, अब इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि अश्रु 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है ना, तो ऊपर की ओर चला कितना, 10 किलोमीटर, और तब वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो काफी बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज क्या हो जाएंगे कि सर ऊपर तो गया अब दक्षिण, मतलब इसका मतलब यह है कि दोबारा इसी में वापस लौट गया, यही यहां कहीं कितना चला 6 किलोमीटर, मैं इस साइड लिख देता हूं, और तब वह बाएं मुड़ता है। तो आपको पता है नीचे जा रहा है, दायां होता है घड़ी की दिशा इधर, तो बायां हो जाएगा इधर, कितना चला 3 किलोमीटर चला। पूछा क्या है कुल दूरी, तो पहले 10 चला, फिर 6 चला, फिर 3 चला, तो जोड़ दो 10 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया भाई 19 किलोमीटर हो गया, आंसर हो गया 10 6 16 3 19। पजल भी कर देंगे जब तक, टेंशन ना लो, कितना हो गया 19 किलोमीटर हो गया। अगला क्या है, प्रारंभिक स्थान से दूरी, तो एक बात बताओ प्रारंभिक स्थान हमारा क्या है, ये है। ठीक है, आपको दिख रहा है, और अंतिम बिंदु कहाँ है, आप यहां पहुंच गए हो, यानी कि आपसे दिशा पूछी, अंतिम दूरी पूछी है, प्रारंभिक स्थान से नहीं, यहां से यहां तक की दूरी पूछी है। ये निकालने के लिए आपको क्या पता है, आपको दिख रहा है कैसे आकृति बन गई, ये आकृति बन गई, और ये जब भी बनते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, ये आपसे पूछी, अब ये कितनी होगी, तो देखो टोटल थी 10 और ये 6 आपने माइनस कर दी, क्यों माइनस कर दी, क्योंकि ऊपर की से हमें कोई मतलब है ही नहीं, तो 6 हटा दी, एक बड़ी चीज है ये, पूरे 10 है और ये ढक्कन मान लो 6 है, तो ये 6 मैंने हटा दिया, कितना बचा 4 है ना, तो ये आपके पास आ गई 4, तो ये 3 ये 4 ये पूछा है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या देगा, अंडर रूट में 9 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट में 25 यानी कि 5 किलोमीटर। तो दूसरे वाले का आंसर कितना हो गया, दूसरे वाले का आंसर हो गया 5 किलोमीटर। तीसरा, मुख किस दिशा में है, मुख किस दिशा में है, तो भाई इधर जा रहा है एंड में, इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व होती है, तो आंसर हो गया आपका पूर्व। अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान आपका यह है, अंतिम स्थान यह है, कैसे जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, और टेढ़ा, इधर होता है पूर्व और इधर होता है ऊपर, यानी कि ऊपर होता है उत्तर और साइड में होता है पूर्व, यानी कि आंसर हो गया उत्तर पूर्व। चारों आंसर आ गए, लॉक कर दिया, बफरिंग हो रहा है निखिल, वो थोड़ी नेटवर्क इशू आपकी भी हो रही होगी ना, हो सकता है जियो, सर रिपीट करो, बिल्कुल अंकित रिपीट करता हूं। देखो अश्रु 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, ये ऊपर 10 किलोमीटर चला गया, और तब 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है, यानी कि वापस इधर से नीचे की तरफ चला गया 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर चला गया, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बायां किधर होगा, देखो नीचे की तरफ जाते तो बायां होता है इधर, कितना चला 3 किलोमीटर चला, वो 3 किलोमीटर चल गया, इतना हो गया। अब उसने यहां खत्म कर दिया, पहला क्वेश्चन बोला कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी में मैंने क्या बताया था, वो टोटल जितना भी चला है सबको जोड़ दो, तो 10 6 16 और 3 19, 10 6 16 और 3 19, पहले का आंसर हो गया 19 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन, प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी, ये तिरछी लाइन आ गई, जब भी तिरछी लाइन आती है हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पहले ही बताया था पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए क्या करना है भाई, कि आपको ये और ये वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि सपोज करिए वो 10 किलोमीटर चला है ना, और फिर ढक्कन के बराबर 6 किलोमीटर वापस आ गया। प्रशांत शर्मा नमस्ते, लेट हो गए बहुत भाई, क्लास खत्म होने वाली है, अब आ रहे हो भाई, ऐसे कैसे चलेगा, टोटल 10 चला फिर 6 किलोमीटर वापस आ गया, तो ढक्कन हटा दो, 6 हटा दिया बचा कितना 4 बचा, तो इसलिए ये कितना हो गया 4 हो गया, नीचे की वैल्यू टोटल 10 थी, 6 ऊपर वाली हटा दो क्योंकि हमें नीचे वाली से मतलब है, कितनी बची 4 बची, ये हो गई।
तो ये तीन ये चार ये पूछी है, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तीन का स्क्वायर यानी कि नौ, चार का स्क्वायर यानी कि सोलह, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया अंडर रूट 25, और 25 को बाहर निकालेंगे 5, आंसर हो गया हमारे पास 5 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं मुख किस दिशा में, तो देखो सिंपल सी बात है, एंड में वो किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व होती है, आंसर हो गया पूर्व। आगे इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या होगा कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु उसका यहां था, यहां पर चलना स्टार्ट किया था, और लास्ट ये था यहां पहुंच गया था, तो यहां से यहां कौन सी दिशा आ गई, उत्तर पूर्व दिशा आ गई ऊपर की तरफ, देखो टेढ़ी दिशा, जब भी कंफ्यूजन हो तो यहां से देख लो, ये टेढ़ी दिशा आ रही है, किस किसके बीच में, उत्तर के और पूर्व के, तो आंसर हो गया उत्तर पूर्व, ये आपके चारों आंसर हो गए। ठीक है, अब जल्दी से बताओ अंकित, समझ में आ गया या नहीं आ गया, समझ में आ गया सब बच्चों के, तो जल्दी से लिखो यस सर, समझ में नहीं आया है तो बोलो रिपीट करो, कौन सा क्वेश्चन करना है रिपीट ये भी बताओ मुझको, अगली क्लास में कोशिश करेगा बच्चों, ज्यादा आओ है, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ऐप को डाउनलोड करने के लिए बोलो सब लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा ऐप को डाउनलोड करें, और आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, अब आपके दो तीन टॉपिक और बचे हैं, हाँ कोई बात नहीं, अगली क्लास में आप कवर अप कर लेंगे, कुछ नहीं आपकी वीडियो डली रहेगी ये, तो आप इसको दोबारा देख सकते हो, और कोई इश्यू हो तो मुझे बाद में मैसेज कर सकते हो, पर ही ऐप डाउनलोड करते रहो, और बाकी सब बच्चों से भी कह दो कि डाउनलोड कर दे। ठीक है बच्चों, चार टॉपिक हमने आज क्लियर कर लिए, मैं रिपीट करता हूँ कौन कौन से पढ़ाए हैं, पहला जब आपसे दिशा पूछता है सिर्फ, दूसरा जब प्रारंभिक दिशा नहीं दे रखी होती वो पूछता है, तीसरा एंगल, और चौथा हमने ये पढ़ लिया जब कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना, चारों में से कुछ भी पूछ सकता है, तब आपको थोड़े से बनाना, जैसे कहता जाए वैसे करते जाओ, राइट लेफ्ट का टेंशन में खत्म कर दी, बना लो ये बायां ये दायां, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जाओगे तो राइट, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में जाओगे तो लेफ्ट। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, परछाई वाले क्वेश्चन है वो हम करेंगे, अभी एक हमारे योगा वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक व्यक्ति योगा कर रहा था उल्टा हो गया, तो उसका मुंह पश्चिम में है तो हाथ किधर है, लेफ्ट हाथ किधर है, और चौथा आता है जब कि घड़ी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी इसी में कि एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ये वाले क्वेश्चन होते हैं, और एक आ जाते हैं कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व लिखा जाए तो उत्तर को क्या लिखा जाएगा, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये तीन चार टॉपिक रह गए हैं, हम अगली क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि आज काफी टाइम हो गया है, मैं काफी तेज तेज बोलता हूँ तो समझ में ना आए तो रिपीट कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोग हमसे जुड़े, बहुत अच्छा लगा, यूपीपी की क्लास हो रही है क्या जतिन, क्लास सारी हो रही हैं, और गुड नाइट, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एडमिनिस्ट्रेटिव से, हाँ जी निखिल बहुत बढ़िया, जतिन जी क्लास देखिए, मैं अगर रीजनिंग की बात करूँ तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप यूपीपी से लेके एमटीएस से लेके यूपीएससी का पेपर भी दे लो, प्री का सी सेट दे लो, आई एस पी सेस का पेपर दे लो, जो प्री पेपर होता है, रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप कोई सा पेपर दे लेना, चाहे बैंकिंग सबसे हार्ड मानी जाती है रीजनिंग, आप बैंकिंग का भी दे लेना, आप कर पाओगे, ठीक है, और कम से कम समय में कर पाओगे, बस मन लगा के करते रहो, और बच्चों से कहो कि आए ऑनलाइन आए देखें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।